नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ऑटो स्टंपिंग असेंबल लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक में 900 पे बाइंग करके फंसे। दोस्तों, अभी तक की बात करें तो फिलहाल इस स्टॉक में गिरावट जारी ही है। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर ने कमेंट भी किया था, किसी ने 700 पे बाइंग किया, किसी ने 600 पे बाइंग किया, किसी ने 500 बाइंग किया। मतलब दोस्तों, बताना चाहते हैं कि कोई जो है कि इस स्टॉक को ऑरिजिन करने के बारे में विचार कर रहा है। तो ऐसे दोस्तों, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, तो मुझसे रिलेटेड भी बात करेंगे और अभी इस स्टॉक को जो है कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं, तो हम उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। चलिए, हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सारा कुछ जो है कि डिस्कस आ गए ऑटोमोटिव स्टंपिंग एंड असेंबल लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक के ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में हर बार हमने इस स्टॉक से जो है कि आपको अलर्ट रहने के लिए बोला है। ऐसे में आज के दिन की बात करें तो आज के दिन तो देखा जाए तो पूरा मार्केट ही जो है कि डाउन था। दोस्तों, दो दिन से मार्केट जो है गिरावट दर्ज करे, तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक जो है कि गिरावट दर्ज करे। चलिए, कोई बात नहीं, ये भी स्टॉक जो है कि गिरावट दर्ज करे। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे तो आज के दिन भी ये कंपनी लगभग 5.25% डाउन है। अगर हम 5 दिन की बात करते हैं, 5 दिन में लगभग 9.5% 10% कंपनी डाउन है। 1 महीने की बात करते, 1 महीने में 10%। 6 महीने की बात करते, 6 महीने में ये स्टॉक लगभग 10%। दोस्तों, बता देते कि इसके पहले ये स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 500 के प्राइस पे चल रहा था। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 500 की प्राइस है। मतलब दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों फंसने का रीज़न क्या है इस स्टॉक में, कोई ऐसा मतलब क्या है कि पहली बार तेजी नहीं आती। जब भी इस स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों, 8% 5%, मतलब दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी आ जाती है। जिस दोस्तों, हमने कई बार इसके ऊपर जो है कि डिटेल्स वीडियो बनाया है और हर बार जो है कि रिटेल इन्वेस्टर को इस स्टॉक से अलर्ट रहने के लिए बोला है। वाई टू डेट की बात करें, लगभग 50% ये स्टॉक डाउन है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक मतलब 925 का इस कंपनी का हाई है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, 925 रुपये का कंपनी का हाई है। लो की बात करें, जब लगभग देखा जाए तो 232 रुपये कंपनी का लो दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आपसे बता देते, ये कंपनी लगभग 1000% का रिटर्न बना के देती है, वो भी शॉर्ट टाइम में ही। लगभग 91 के आसपास इस कंपनी का प्राइस चलता है दोस्तों। उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली भी आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक में कोई पहली बार रैली नहीं, इसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद फिर से रैली आती है, फिर गिरावट, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं रैली, फिर गिरावट होती है, फिर रैली, फिर गिरावट। और दोस्तों, इस स्टॉक में कई बार जो है कि इस प्रकार की तेजी अपने को देखने को मिलती है। आज की बात करें तो इस स्टॉक में अपने को इसी प्रकार से कई बार गिरावट भी देखने को मिली है। कंपनी की बात करें तो एक दिन में लगभग 30% कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आज भी जो है कि कंपनी ने 250% का रिटर्न बना के दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, जब इसी स्टॉक में तेजी आती है तो मतलब एक तरफा तेजी रहती है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी छोटी कंपनी, लगभग 500-550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब छोटी कंपनी होने का मतलब दोस्तों, जो रिटेल इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें, सबसे पहला पॉइंट आप इसके मार्केट कैप को भी देख सकते हैं। अगर हम मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 1100% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन हाँ, इसके पहले इस स्टॉक में देख सकते हैं मतलब वॉलेटाइल, इसी प्रकार की इस स्टॉक में तेजी और गिरावट रहती है। बात करें तो आज की दिन वही 4.5% 5% के आसपास कंपनी डाउन है। कंपनी की बात करें तो 11 जनवरी 2022 को कंपनी 925 का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 28 फरवरी 2022 को ही कंपनी, आप देख सकते हैं दोस्तों, 232 रुपये का लो भी लगा देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बताना चाहते हैं कि इसका प्राइस मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसका जो लो है दोस्तों, थोड़ा अपने को ज़्यादा दिखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सारा कुछ जो है कि पुराना है, कुछ भी नया नहीं है। बोर्ड मीटिंग की बात करें तो वो भी पुराना ही, आप देख सकते हैं। इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट एक्शन भी कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है 75% का इस देखा जाए तो सारा कुछ जो है कि प्रमोटर के पास है। ये कंपनी बताना चाहते दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है। क्यों है दोस्तों? ये कंपनी टाटा ग्रुप को जो है कि बिलोंग करती है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो बताना चाहते हैं कि ये कंपनी ऑटो असेंबल में काम करती है। कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 62% ये कंपनी डाउन है। कंपनी की बात करें तो अगर इस स्टॉक में वैल्यूम की बात करेंगे तो वैल्यूम भी देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं बनते, क्योंकि दोस्तों छोटा मार्केट कैप, छोटा देखा जाए दोस्तों, मतलब जितना छोटा प्राइस, जितना छोटा मार्केट कैप दोस्तों, उस स्टॉक में उतना ही कम वैल्यूम था। ऐसे में देखेंगे 27,000, 16,000, 11,000, 50,000, मतलब इतना कुछ खास जो है कि वैल्यूम नहीं बनते, फिर भी देखा है तो 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता है। इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें, सबसे पहले कंपनी के थोड़ा सा फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का स्थान कहाँ पर है, 40 नंबर पे। टोटल कंपनी कितना है दोस्तों ऑटो इंसलरी में देखा है तो 91 कंपनी। मतलब दोस्तों, आपसे बता देते हैं कंपटीशन कितना हैवी है कि आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का रिस्की वैल्यूएशन है। हाँ, फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो है कि रिजल्ट अच्छे देखने को मिले, जो कि आउटस्टैंडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करते, एक साल में लगभग 25% कंपनी डाउन है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर भी पूरा जो है कि डाउन ही चल रहा है, फिर भी देखा जाए तो 3-4% मतलब जो है कि सेक्टर पूरा डाउन है। बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग
पैटर्न की बात करें दोस्तों, रिटेल स्टॉक क्यों फंस रहे हैं आप देखेंगे, 75% का स्टेक किसके पास है, प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है दोस्तों, आप देख सकते हैं टाटा ऑटो कंपोनेंट्स, मतलब दोस्तों बता देते हैं टाटा ग्रुप ही इस कंपनी में प्रमोटर है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो ना ही यहाँ पे FIs हैं ना ही DIs है। सबसे दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ना ही FIs ना ही DIs। लेकिन दोस्तों ऐसे में देखेंगे तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि इस स्टॉक में ऑरेजिंग कहिए चाहे बाइंग कहिए दोस्तों, जो है कि मतलब तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों बताना चाहते हैं। इस स्टॉक में कभी भी तेजी आती है तो लगभग 5% 7% जो है कि हैवी जो है कि तेजी भी देखने को मिलती है, हैवी जो है कि गिरावट भी अपने को देखने को मिलती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं। देखिए दोस्तों, आपने एकदम टॉप पे बाइंग किया, भागते हुए शेयर को बाइंग किया है, तो ऐसे में दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी लेकिन हाँ ये ट्रस्टेड कंपनी है। बताना चाहते दोस्तों जिनके पास भी है आपको थोड़ा सा क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके चलना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों, बताना चाहते हैं कि बहुत ही रिस्की कंपनी, बहुत रिस्की मतलब बहुत रिस्की। सबसे पहला रिस्क क्या है दोस्तों, 91 कंपनी इनकी सेक्टर, मतलब क्या इनका जो कंप्यूटर है दोस्तों 90% मतलब 90 कंपनियां जो है दोस्तों काम करती है इनके सेक्टर में। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का स्थान देखा जाए तो 40 नंबर पे आता है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। तो ऐसे में दोस्तों जो रिटेल इस स्टॉक को रिस्क लेने के लिए तैयार है दोस्तों इस स्टॉक में, तो आप चाहे करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है स्टॉक हो सकता है कि 250 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो जल्दी ये स्टॉक क्या है कभी भी जो है कि 500 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।